नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बढ़ाने की मांग को लेकर पशु चिकित्सक 16 सितंबर को रहेंगे हड़ताल पर। जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। चुरू जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बढ़ाने की मांग को लेकर पशु चिकित्सकों ने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को ज्ञापन दिया। अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। पशु चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशोक शर्मा ने बताया कि लंबे समय से प्रदेश में पशु चिकित्सकों की NPA बढ़ाने को लेकर मांग चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। इसी मांग को लेकर 6 सितंबर से पशु चिकित्सकों ने कामधेनु बीमा योजना और गोपालन विभाग के कार्यों का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी इसी मुख्य मांग को लेकर जिले के पशु चिकित्सक 16 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर रहेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जिला संयोजक डॉक्टर सुनील मेहरा ने बताया कि यदि फिर भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 18 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। 16-9 को सभी पशु चिकित्सक अधिकारीगण एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, संयुक्त धरना में विरोध प्रदर्शन करेंगे। 18-9 से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश से निरंतर राज्य विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारी प्रमुख मांग NPA की है, जिसके लिए जयपुर में भी काफी समय पशु चिकित्सकों का धरना चला, अनशन चला। सरकार ने आश्वासन दिया था कि जल्दी मांगें पूरी की जाएगी। पशुपालन मंत्री महोदय ने भी कहा था कि पशु चिकित्सकों की मांग है उस पर विचार किया जा रहा है, परंतु राज्य सरकार ने भी कुछ भी नहीं किया है। और ये हमारी मांग है कि जल्द से जल्द है जो पशु चिकित्सकों को NPA दिलवाया जाए। NPA के अभाव में सारे राज्य कार्य चिकित्सक बंद कर रहे हैं, कोई बीमा नहीं होगी। गोपालन विभाग से जो सहायता राशि मिलती है गौशालाओं को, वो कार्य उस कार्य का भी बहिष्कार किया है। बताओ डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष पशु चिकित्सक संघ चूरू।